गोलू यार माल लाया। हाँ भाई बैग में ही है, बैग में लाला दे। भाई अभी इस बार बोला ना ला। लो भाई करक माल है करा। आजकल थोड़ा ज्यादा गर्मी नहीं चल रही है। हाँ भाई कम करना पड़ेगा इसे। पानी 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 जल्दी मेरा बोतल वापस कर दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? रुको। अरे मैंने बोतल में मुंह लगा दिया, अब मैं इसमें कैसे पानी पीऊंगा? बुढ़े लोगों के साथ बुरा ही होता है। तुम क्या हंस रहा है? तेरा ही तो बोतल है। मेरा बोतल मेरे पास है। गद्दारी कर बे गोलू, अब देख एक भी बूंद तुझे मिलता है कि नहीं। अरे भाई माफ कर दो, माफ कर दो, थोड़ा सा दो, थोड़ा सा। गोलू यार पीटी टीचर ने जो सामान दिया था बोला। कौन सा सामान? स्कूल साफ करने वाला फिनाइल। अब याद आया, उसमें तो मैंने रसना मिला के भाई को दिया है। पूरा खत्म कर दिया। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? गोलू यार लगता है मेरे पास टाइम बहुत कम है। भाई तू हमें छोड़ के ऐसे मत जा, तेरे जाने के बाद बैक बेंचर बिरादरी कौन संभालेगा? भाई जाते जाते बस तेरा गियर वाला साइकिल दे देना। गोलू यार तुझे शर्म आनी चाहिए, भाई के पास टाइम नहीं है और तुझे गियर वाली साइकिल की पड़ी है। उसके पास कितने सारी लड़कियों का नंबर है वो भी तो देख। वो भाई तू बस प्रिया रिंकी और रूपाली का नंबर दे देना। यश यार मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, भाई तू ही मेरा दोस्त है, लेने लायक कोई चीज ही नहीं है। लेकिन तेरे घर ही बहुत मुझे शानदार लगे, मैं रख लेता हूँ। अरे हाँ मैं जूते ले लेता हूँ। भाई घर ही और जूते लेके बंद करो लड़ना, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। दोनों तो मैं ही लूंगा, जूते और घड़ी तो मैं ही लूंगा। भाई तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं पहले ये कर लो। हाँ तो जूते तो मेरे ही होंगे। अबे सालों मौत मेरे सामने खड़ी है, तुम लोगों को मेरे चीजों के लेके पड़ी है। हाँ भाई हम बहुत शर्मिंदा है, भाई अभी जिंदा है और हम उसके चीजों को लेके बंटवारा कर रहे हैं। बल्ली भाई को बस एक बार मरने दो, फिर आराम से करेंगे बंटवारा। बैटिंग तो मैं ही करूंगा। बूम बेबी। इतना चुभने लगा हूँ सबको भाई, शायद तू कुछ कह रहा था। ध्यान से सुनो गोलू, तुझे सीनू चाचू का लैपटॉप याद है? अब भाई मैंने वो तोड़ दिया था, बहुत मार भी पड़ी थी। वो तूने नहीं मैंने तोड़ा था और इल्जाम तेरे ऊपर डाल दिया। भाई थैंक्स गॉड तू मर रहा है, नहीं तो मैं ही तुझे मार डालता। और बल्ली यार। हाँ भाई। तूने ट्यूशन वाली चिंकी को लव लेटर देने के लिए कहा था ना? हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, तू भूल गया। नहीं रे उसके साथ मैंने खुद का सेटिंग करवा लिया। हंस दे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और रूही जीते जी तो कह नहीं पाया, अब बोल के भी क्या होगा। नहीं यश बोलो तुम्हें क्या कहना है। रूही हाँ एग्जाम के पहले तुम्हारा नोट गायब हो गया था ना? हाँ। वो मैं और गोलू ने गायब किया था। ये तो हो ही नहीं सकता, तुम दोनों मेरा नोट लेके करोगे भी क्या? तुम लोग तो गवार छाप हो। क्यों खाली पीली बेइज्जत करवा रहा है? रूही तुम्हारा नोट भंगारी में बेच के हम दोनों कचौड़ी पार्टी करते थे। हाँ भाई क्या कचौड़ी बनाया था उसने उस दिन? क्या बोलू? अरे भाई कहाँ टेस्टी थी, मतलब मैंने कहाँ नोट बेचा? हाँ भाई नोट तो मैंने बेचा था। रोहित तूने तो सिर्फ चोरी किया। बोलू और बल्ली चिंकी का सेटिंग करने का आइडिया भी इसका ही था। अरे यार ये दुख खत्म नहीं होता है बे। अरे रोहित चोरी चोरी मैंने क्या था, मेरा प्लान बल्ली ने बनाया था। प्लान चोरी कब हुआ? चलो अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूंगा थैंक यू दोस्तों, जब दुनिया ने मुझ पे भरोसा नहीं किया। तुम लोग चोरी मत कर, जल्दी जल्दी मर जा, वैसे ही तूने मेरा पेमेंट नहीं दिया है। अरे गोलू पेमेंट की बात मत कर, तो और करीब आ रहा है गोलू। अगर मैं पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तूने एक बड़ा यूट्यूबर का मिसाल कायम किया है। गोलू और तारीफ मत कर, जाते जाते भी लाइक सब्सक्राइबर का भेग मांगना नहीं भूला। हाँ मैं कर भी क्या सकता हूँ, छोड़ो। काउ काउ ग्रुप का वसूल याद रखना तुम लोग, बाय बाय दोस्तों। भाई तू ऐसे नहीं जा सकता है। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, फिनाल का बोतल मिल चुका है। क्या इसका मतलब मैं नहीं मरूंगा? भाई सीनू चाचू का लैपटॉप याद है, ट्यूशन वाली चिंकी और यही नोट। सुनो ना भाई लोग आज मौसम कितना सुहाना लग रहा है, चलो ना सुहाने के साथ घूम के आते हैं। रोही जरा शार्पनर दे तो। किसको कह रहा है तू? भाई तेरे को। ठीक है पिता ले शार्पनर। अरे भाई उसका नाम से मुझे मत चिढ़ा, वो शर्म आती है। मुझे रोही क्यों कह रहा है? एक का रोही दूसरे का अर्पिता और तेरा सिमरन। भाई ने खेल दिया। इसका नाम मत ले। भाई देख उसका गल लाल हो रहा है। बता बता सिमरन ही तेरा क्रश है ना? नहीं 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 बल्ली यार बता दे। अरे गोलू यार इतना फोर्स मत कर, उसे बोलने का मन नहीं है। चल बल्ली तेरी माँ की कसम बता। अरे भाई क्या कह दिया तूने? बस तुझे बताना है सिमरन तेरा क्रश है या नहीं। अरे भाई मैं नहीं बता सकता हूँ। बल्ली देख तेरे माँ के साथ कुछ भी हो सकता है, जल्दी बता। अरे हाँ सिमरन ही मेरा क्रश है, प्लीज यार तुम लोग किसी को मत बताना। ये दोनों कहाँ गए? देखो, देखो तुम लोग ने कहीं यश को देखा है? यश को छोर बल्ली तू और सिमरन। अरे भाई यश ने क्या तुम्हें सब कुछ बता दिया? उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। मैं कैसा दोस्त हूँ, मैंने अपने दोस्त के ऊपर शक किया। लेकिन एक मिनट तो मैं सिमरन क्या कह रहे थे? ये रहा तुम्हारा शादी का कार्ड। क्या यश सबको बांट रहा है? अरे साला किधर है वो? हो रहा। सुनो 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 मेरे भाई बल्ली का शादी है तो सारे जरूर आना, बल्ली सिमरन को बहुत प्यार करता है। तो ये क्या कर रहा है? भाई तेरा मदद कर रहा हूँ। अरे भाई मस्कर तूने ये कार्ड सिमरन को तो नहीं दिया?
मैं तो भूल ही गया। सिमरन सुन। अरे कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर चुप रहे। और तो कोई तूने कांड नहीं किया? मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन गोलू कर सकता है। सिमरन जरा तेरा फोन खोल तो देखू गोलू ने हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या भेजा है। ए सिमरन, मेरे बिना तेरा दिन कैसे चलता है? लेकिन आज तेरे लिए एक बहुत बैड न्यूज है। क्या? आज से मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा। क्योंकि तुझे तो बल्ली प्यार करता है। क्या क्या क्या, क्या कर रही है? तेरे लिए मैंने एक दुखड़े मुखड़े लिखा है, रुक सुनाता हूं। शराबी को बार में जाके दारू पीना था और बल्ली पूरे दिन घर में बैठ के। ये क्या बोल रहा है? ओह, ये स्क्रिप्ट किसने चेंज की? बल्ली है नारुतो और तू है हिनाता। साले गोलू, अब थैंक यू मत बोलियो। बल्ली देख, बल्ली सिमरन तुझे बुला रही है, शायद पप्पी देगी। मुझे तो पता ही था ये लड़की लोग बहुत धोखेबाज होती है। अब भाई सौ बात कही। वैसे बल्ली ये तो तेरा क्रश था, तू प्यार किसको करता है? तो बच्चों यह मैथ सॉल्व करके दिखाओ, मन्ने तब तक एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं करके आता हूँ। अरे भैया, ये सर ने क्या नया मस्ती का पाठशाला करके गया, ये मैथ कौन कर पाएगा भाई? हाँ बोल। अरे भाई तू चलते स्कूल में गेम खेल रहा है। क्या कहना चाहता है, बंद कर दू? अरे भाई नहीं नहीं, नेक्स्ट बारी मेरी होगी। भाई वो सब छोड़, तू तो वर्ल्ड ऑफ टैंक खेलता था, ये कौन सा गेम है? ये है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप। इसमें क्या खास? इसमें है 40 से ज्यादा मैप, 600 से ज्यादा शिप और 20 से ज्यादा पोर्ट। और यही नहीं, इसको तो पीसी या कंसोल किसी में भी खेल सकता है। रुक रुक, कोई बॉट आया। मन्नू यार उड़ा दे साले साले। ठीक है गेम रिस्टार्ट कर। भाई मन्नू भी खेल रहा था। हाँ यार, इसमें तो सोलो या फ्रेंड किसी के साथ भी खेल सकता है। अरे मैं यार कंट्रोल नहीं हो रहा है। खेलना है? हाँ भाई दे दे। खेल अपने पीसी पे। लेकिन भाई कहाँ से डाउनलोड करूँ? लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और प्रोमो कोड पीसी बैटल लिखना भूलना मत। भाई इससे क्या होगा? इससे तुझे मिलेंगे 7 डे के प्रीमियम अकाउंट प्लस बहुत सारे शिप, वो भी फ्री में। भाई मैं तो नया हूँ, मैं तो नहीं खेल पाऊंगा। बोलू यार, बिगिनर्स के लिए इस गेम में ऑलरेडी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिससे तू बन सकता है एकदम प्रोफेशनल गेमर। और इसमें बहुत सारे मोड्स है जो तुझे कभी बोर फील करने नहीं देगा। मैं यार कंट्रोल नहीं हो रहा। होगा ऐसे के? अरे सर ये यश ने गेम। कौन सा गेम? एक से समझ गया, जाओ जाओ, ये इम्पोर्टेंट काम खत्म ही नहीं हो रहा। सर भी ना, कौन सा इम्पोर्टेंट काम करते हैं? अरे पटेल जी साइड में उड़ाइए। मन्ने मत आग। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा गेम है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप। तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त के बारे में। कोई इसका डेफिनेशन दे सकता है? आपका कभी झगड़ा नहीं होता, जो है। आपका बुराई नहीं करता है और नहीं सुन सकता है, और हमारा रिश्ता प्यार से बनता है। मतलब तेरा कोई दोस्त नहीं है? देखो क्या कह रहा है। ये तो कह रहा है भाई, दोस्ती में तू प्यार की बातें कर रहा है। भाई तू तो यही हो सकता है। शांत रहो सब, बोलो तुम्हें बड़ा पता है, तुम बताओ। दोस्त के दो आंख होते हैं, दो पैर होते हैं, दो कान होते हैं। दोस्त दूध देता है जिससे बनती है शाही पनीर, रसीले रसमलाई और रसगुल्ले। क्या गोलू, दोस्त कैसे दूध दे सकता है? मैम मेरा दोस्त दूध वाला है। सैविज 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 सैविज। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, अब तुम्हारी बारी, बताओ दोस्त के बारे में। मैम मैं क्लास में गाली नहीं देता। पूरा बैक बेंच क्लास से बाहर हो जाओ। मैम बेंच में तो जाने नहीं है, ये कैसे बाहर जाएगा? इसलिए तो कहती है कि बैक बेंचों से कभी पंगा ना ले। अरे भाई तुम लोगों को ब्लू कॉर्न की पड़ी है, कल मैं फिर से क्रीम 11 में सट्टे में हार गया। काश मेरे पास डोरेमन का टाइम मशीन होता तो मैं फ्यूचर में जाके देख लेता कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है। मैं इन सब काल्पनिक बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वो सब छोड़, श्वेता अगले साल फेयरवेल में तो बहुत बढ़िया लग रही थी। सच्ची में भाई को ब्लू कॉर्न का नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया। अगले साल तो श्वेता हमारी स्कूल में नहीं पढ़ती थी। गोलू तुझे तो अगले साल की बात तक याद है? अगले महीने तूने मुझसे 300 रुपया उधार लिया था ना, वो भी तो तुझे पक्का याद होगा। भूल गया? भूल भी गया हो, लेकिन भगवान के पास दिया गया सब कुछ तो तेरे पास ऑलरेडी है ना गोलू। भाई तूने पूरी बात नहीं सुनी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कहाँ है ये तो पता ही नहीं। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। टॉपिक मत चेंज कर। अरे भाई रुकना, एक जरूरी बात है। बाप? मेरे बाबू ने थाना छाया। जी गोलू यार, कौन इतना सिली क्वेश्चन कर सकता है, तू अभी भी बच्चे की तरह बात करता है। बता पाई रूट को अगर तू साइन थीटा 30 डिग्री से डिवाइड करेगा तो कितना आंसर निकलेगा? तेरे बाबू ने तो थाना था लिया। ये हुई ना बात। श्रावणी यार लग नहीं रहा है तू आजकल कुछ ज्यादा पढ़ रही है। नहीं भाई पढ़ने दो पढ़ने दो, वैसे भी जीरो ही तो छापेगी। तुम लोग छापते होगे, मुझे अगले एग्जाम में 20 आए थे। लेकिन मैंने तो 7 देखा था। हाँ कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है, इस बार मैं इतना पढ़ूंगी इतना पढ़ूंगी, मैं बनूंगी एक IAS ऑफिसर और सब लोग मुझको सलाम ठोकेंगे। तो और IAS ऑफिसर कंपनी की तो लोग सलाम नहीं ठोकेंगे, तुझको ठोक डालेंगे। और IAS बनने के लिए पढ़ाई कौन करता है? IAS ऑफिसर की बात की है। मैं तो वही कह रहे हैं, IAS अनुभववादी। बोलो इस बात पे तुझे मैं 2 थप्पड़ मार सकता हूँ यहीं से। भाई वो लोग सही तो कह रहे हैं, पढ़ाई करके थोड़ी कोई IAS बनता है, तो दिल टूटने से बनता है। तुम वालों लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ, अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है तुम लोगों ने? अरे मेरा तो सेट है, मैं तो कनाडा विच बड़े बड़े बिल्डिंगे बनाऊंगा। बोलो यार
तू सबको खुद की तरह क्यों समझता है? ये बात तुमने एकदम ठीक कही। मैं ठेकेदार बनूंगा, उसमें ज्यादा पैसे है। बल्ली तो साला दिन दिन इंटेलिजेंट होता जा रहा है। अरे सुनो सुनो, तुम लोग क्या फ्यूचर सपने के बारे में बात कर रहे हो? नहीं रे, तेरा आइटम सपने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या कर रहा है पूरे स्कूल को पता है, तू हमारे बातें छिप छिप के सुनता है। सब छोड़, तेरा भी कोई सपना है क्या? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। ओ नाइस, इतना पढ़ाई लिखाई करके तू भूखा मरना चाहता है? नहीं भाई, भूखा तो कॉमर्स वाले मरते हैं, इंजीनियरिंग वाले तो भूखे भी रहते हैं और मरते भी नहीं है। मेरा और एक सपना है, यश की शादी के बाद यश के बीबी के साथ मुझे घूमने जाना है, पिक्चर देखना है, मजे करना है। यश तुझे छोड़ देगा? यही तो सपना है, यश मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है। क्या भाई, क्या कर रहा है? करवा दे अपने बहन के साथ मेरी शादी, फिर उसके साथ घूमते रहना। भाई बरातियों का स्वागत पान पराग से ही करना। मैं अपने माते वापस लेता हूँ। लेकिन मैं तो नहीं दूंगा साले साहब। भाई तुम लोग जिंदगी में कुछ तो कर लोगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बोलो यार, तू तो खुद को कम क्यों समझता है? अगर गौर करे तेरे गले में एक आवाज, एक दर्द। मैंने तो उसके बारे में सोचा नहीं, मैं बन सकता हूँ एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट, अर्जुन मैम की तरह दुखड़े मुखड़े गाऊंगा। अरे गोलू वो कहना चाहती है भीख मांगा कर, बहुत पैसे कमा लेगा। भाई तू मेरा दोस्त है इसलिए तुझे जाने दे रहा हूँ, तेरा हिम्मत कैसे हुआ इतना अच्छा आइडिया छुपाने की? भाई इसे कहते हैं गरीब को सोने की कटोरी दो फिर भी उसमें भीख ही मांगा। पहले तू खुद का बायोग्राफी क्यों बता रहा है? पापा ने नया गेम लाया है, यो खेल ले। चोर यस, तू क्या बनेगा? मैं तो राइडर बनेगा। भैया बाबू भैया। अरे अरे वो वाला नहीं, अपन मौत के कुएं में बाइक चलाएगा। ओ भाई तेरी सोच तो कितनी बड़ी है। यार तू छुपा रिश्ते में लिखना, इतना बड़ा सोच लेके तू चलता कैसे है? कभी कभी तो मैं ही हैरान हो जाता हूँ, इतना स्मार्ट मैं पैदा कैसे हुआ। आई नो इट्स सो हार्ड फॉर यू, तुम्हें इस बार सबसे कम मार्क्स मिला है, पर ऐसी हताश मत हो। तू ही बता 98 कोई मार्क्स होता है? लेकिन अभी जो मिला है उसी से तुझे खुश होना पड़ेगा, अगले एग्जाम में तो डायरेक्ट 105 मार्क्स लेके आना, 5 फॉर गुड हैंडराइटिंग। ये तूने तो मुझे फुल मोटिवेट कर दिया। भाई किसके साथ इतना बुरा होता है? अब क्या हुआ भाई, हिंदी में 0 मिला है और पेरेंट्स टीचर भी बुला रहे हैं। देख गोलू, एक पेपर तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। भाई इंग्लिश में बोलना अच्छा लगेगा। वेल अ पेपर ऑफ लहसुन प्याज इज रीडिंग इन अमेरिका 1947 कॉल्ड लाइक अमेरिका अलजेब्रा आल्सो एंड अल्टरनेटिव लाइक अमूल कूल। भाई मैं समझ गया। लगता है इसे पता चल गया कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? अबे साला ये तू इंग्लिश में पीएचडी करके बैठा है, शायद चिंकी के साथ एक्स्ट्रा ट्यूशन जाता है। और बात करो पेरेंट्स की, तो तू अगर कुछ अच्छा करेगा तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। भाई बात तो तूने एकदम सही कही है, इस बार तू इतना पढ़ना तेरे मार्क्स देख के सब लोग हैरान हो जाए। हाँ भाई लेकिन मैं क्यों पढ़ूंगा, फेल तो तू हुआ है। और पेरेंट टीचर को भी बुलाना है, याद करके ले जाना। इस बार मैं फिर से माँ की एक्टिंग नहीं करूंगा, पहले ही बोल देता हूँ। भाई ट्रीट के लिए थैंक यू। काय का थैंक यू, बस तू इस बार मेरा दादी बन जा। मैं नहीं खाऊंगा, चीटिंग हुआ है मेरे साथ। और हाँ गाइस, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को तो पता ही है लीलियस सबसे बेस्ट।